इन द फॉलोइंग फिगर मीटर ब्रिज बैलेंस्ड है. देखो जब ये क्वेश्चन आएंगे ना मीटर ब्रिज के, उसमें बैलेंसिंग गिवन ही होती है, तो ये बैलेंस्ड है. मीटर ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर करो इसे. 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम है, 1 ओम 1 सेंटीमीटर की. मुझे ये बताओ कि अगर ये रेजिस्ट, अगर ये लेंथ 100 सेंटीमीटर की होती है तो पूरी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? 100 ओम है. 1 सेंटीमीटर 1 ओम, 100 सेंटीमीटर 100 ओम. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है फाइंड अननोन रेजिस्टेंस एक्स. तो आपको अननोन रेजिस्टेंस एक्स निकालनी है और ऑल्सो करंट बैटरी में से कितना बाहर निकला. पहले आप अननोन रेजिस्टेंस निकालो क्योंकि ब्रिज बैलेंस है. तो एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 40/60 क्योंकि लेंथ रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है. तो x अपॉन 6 इज इक्वल टू 40/60. तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया? x आ गया, एक आंसर आ गया. अब क्योंकि ब्रिज तो बैलेंस्ड है और क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग तो जीरो आएगी. इस वायर को लगाओ ना लगाओ फर्क तो है ही नहीं. अब क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4 ओम. तो अब ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में. तो कितना आ गया? 10 ओम. ये टोटल रेजिस्टेंस हमने कितनी निकाली थी? 100. तो 100 और 10 किस में आ जाएंगे? इन पैरेलल. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें? 10 × 100/10+100. ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. तो करंट क्या होगा? ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट आ जाएगा बैटरी में से. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे अननोन रेजिस्टेंस निकलेगी और फिर गैल्वेनोमीटर को हटाया के हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल के आंसर निकाल सकते हैं. ये क्वेश्चन पढ़ो प्लीज. इजी क्वेश्चंस हैं, वीट फ्रॉम ब्रिज पे काफी करना ही कुछ नहीं है, रेशियो लेनी होती है बस. मीटर ब्रिज में नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. तो ये नल पॉइंट का मतलब बैलेंसिंग लेंथ. ये कितनी है? 60 सेंटीमीटर. तो बची हुई लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर. क्लियर है यहां तक? एक 60 तो दूसरी 40. इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एस. चलो बाद में पढ़ते हैं, पहले ये बताओ मीटर ब्रिज में नल पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब ब्रिज बैलेंस्ड है. तो 60 सेंटीमीटर पे है तो ये 40 है. तो यहां से रेशियो आर बाय एस इज इक्वल टू 60/40. इक्वेशन नंबर 1. कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब सेकंड केस में वो कह रहा है कि अगर 5 ओम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दें एस के साथ, तो सोचो ये एस है, एस में 5 ओम सीरीज में, तो क्या बन जाएगा? एस प्लस 5. तो बैलेंसिंग लेंथ 50 सेंटीमीटर पे रह गई. तो बैलेंसिंग लेंथ अब ये 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 50. तो रेशियो क्या बनेगी? आर डिवाइडेड बाय एस प्लस 5 इज इक्वल टू 50/50. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसमें दो केस बनेंगे. पहले केस में तो कुछ किया ही नहीं है, आर बाय एस की रेशियो आ गई. दूसरे केस में एस के साथ 5 सीरीज में है, तो आर अपॉन एस प्लस 5, 50/50. आप इन्हें डिवाइड कर लें दोनों इक्वेशंस को, तो आर से आर ऑटोमेटिकली कैंसिल. सॉल्व करके क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा. और एक बार एस आ गया, एस को यहां पुट करके क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा आंसर. आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है मीटर ब्रिज नल पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे है? 40. तो अगर ये 40 तो ये कितना हो गया? 60.
रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ये तो बाद में कनेक्ट की गई, पहले सिर्फ आर और एस है, तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, आर डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 60। ठीक हो गया यहां तक, इसको बैलेंस कर दिया। अब ये फर्स्ट केस आ गया। सेकेंड केस में वो क्या कह रहा है, सेकेंड केस में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई 12 ओम की रेजिस्टेंस एस के साथ पैरेलल में लगा दें तो नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो इसके साथ जब पैरेलल में ये लगेगा तो उस केस में क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस होगी एस इंटू 12 अपॉन एस प्लस 12। तो ये बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी, 50, तो ये भी 50, तो रेशियो क्या बनेगी, आर डिवाइडेड बाय 12 एस बाय 12 प्लस एस 50 बाय 50। फिर से एक बार इन दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं, आर से आर कैंसिल, सॉल्व करके एस आ गया, एस को यहां पुट करके आर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे मीटर ब्रिज की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द गैप्स इन द मीटर ब्रिज। तो ऑब्वियसली अब आप ये सोच रहे होंगे या तो आर है या फिर एक्स है, यही है, तो विच यूजेज अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ है, एंड अननोन रेजिस्टेंस एक्स ग्रेटर देन 2 ओम। अब ये कह रहे हैं एक्स ग्रेटर देन 2 ओम है, तो फिर 2 ओम कौन है, आर, दो ही तो लगे हुए हैं, तो आर यहां पर 2 ओम है और x यहां पर पता नहीं कितना है पर 2 ओम से बड़ा है, तो इज कनेक्टेड इन अनदर गैप। तो बैलेंसिंग पॉइंट कहां पर आता है, l, तो ये l है, तो 100 माइनस l, रेशियो बनाएं r बाय x, l अपॉन 100 माइनस l, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है, ठीक है। आगे अब वो कह रहा है कि ऑन इंटरचेंजिंग r एंड x, तो x की जगह यहां पुट कर दो, r की जगह यहां पुट कर दो, इंटरचेंज कर दें, तो ये बन गया x, यहां से अब ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा r, इंटरचेंज कर दिया, बैलेंसिंग पॉइंट फर्दर शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एंड ए। पहले बैलेंसिंग पॉइंट कहां पर था, l, कहां शिफ्ट हो गया, 20 सेंटीमीटर राइट, तो नया बैलेंसिंग लेंथ क्या आ गया, l प्लस 20, तो अगर ये l प्लस 20 हो गया तो बची हुई लेंथ क्या है, 100 माइनस एल प्लस 20, राइट, क्लियर है। तो करें बैलेंस इसे, तो पहली क्वेश्चन क्लियर है, दूसरी में इंटरचेंज कर दिया x अपॉन r, तो बैलेंसिंग लेंथ l प्लस 20 अपॉन 100 माइनस
एल प्लस 20। ये क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो आर से आर, एक्स से एक्स कैंसिल, तो इन्हें आप जो है सॉल्व करके आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी। एल की वैल्यू आ गई। इस एल की वैल्यू को, आर तो आपको पता ही है 2 ओम है, यहां पुट करके क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। आर आ गया तो एक्स तो वाई, एल आ गया तो एक्स तो वाई जाएगा, आर तो पता ही है। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? ठीक, नेक्स्ट। इन अ गिवन मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज एट 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एंड ए, तो ये 60, तो ये कितना हो गया 40। एक्स और वाई लगे हुए हैं, तो पहली इक्वेशन तो देखते ही बना दो, क्या एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 60/40। केस हो गया क्लोज। आगे, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद वाई, तो वाई के साथ 15 ओम सीरीज में, तो वाई प्लस 15। नल पॉइंट इज फाउंड टू शिफ्ट बाई 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स एंड ए, ए की तरफ शिफ्ट हो गया, तो पहले बैलेंसिंग ये पॉइंट कहां पर था 60, 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ए हो गया, तो नया बैलेंसिंग लेंथ क्या हो गया 50। ठीक, तो सेकेंड केस में क्वेश्चन क्या बनेगी, x अपॉन y प्लस 15, 50/50। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y कैन बी कैलकुलेटेड। तो दो केस आ गए। अब तीसरा केस सुनो, खत्म नहीं हुआ अभी, एक्स और वाई आ गए। उसने कहा फाइंड पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, फिर से उसने बैलेंस करने की कोशिश की, कहता नया नल पॉइंट निकालो, नया बैलेंसिंग लेंथ निकालो, इफ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम वर कनेक्टेड इन पैरेलल विद वाई, तो अगर मैं वाई के साथ पैरेलल में, वाई के साथ पैरेलल में क्या लगाऊं 30 ओम, तो नई बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी ये निकाल ली जाए, क्योंकि x हम निकाल चुके हैं, क्योंकि y हम निकाल चुके हैं, तो रेशियो क्या बनेगी x डिवाइडेड बाय y इनटू 30 अपॉन y प्लस 30 इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय 100 माइनस l, क्योंकि पुराने दो केस से x और y हम निकाल चुके हैं, x और y को यहां पुट करके क्या आ जाएगा l की वैल्यू आ जाएगी। इसमें तीन केस बनेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, when two known resistances
आर एंड एस, एक्स को छोड़ दो, आर एंड एस इसको छोड़ दो, अभी आर कनेक्टेड इन लेफ्ट एंड राइट, तो बैलेंसिंग पॉइंट एल वन पे है, तो ये कितने 100 माइनस एल वन, तो पहली क्वेश्चन क्लियर है, आर बाई एस इज एल वन अपॉन 100 माइनस एल वन, जीरो एंड इसे बोलते हैं जीरो एंड लेफ्ट, सो एन अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू एस, तो ये अननोन रेजिस्टेंस लगा दी पैरेलल में, तो बैलेंसिंग पॉइंट इज नाउ फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ एल टू फ्रॉम जीरो एंड, तो अब बैलेंसिंग पॉइंट एल टू हो गया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, आर अपॉन पैरेलल में एक्स इंटू एस बाई एक्स प्लस एस, एल टू बाई 100 माइनस एल टू, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड।